तो मैं जाते से बनावा के बनाई लो लावा है जाते बना लीजिए ये तीर बदल जाते से बनावा है। यहाँ पर दोस्तों खेती हल से ही करते हैं और जब बीज बोते हैं तब हल से बोते हैं। तो ये हल है, ये छोटी सी झोपड़ी है जो बांस से बनी है, इसके ऊपर भैंस का जो चारा होता है खाने के लिए गाय भैंस के लिए वो रखा है और नीचे यहाँ पर झोपड़ी भी बन गई है। लगभग आधे घंटे से ये बादल गरज रहे थे और आखिरकार यहाँ पर बारिश है और तेज़ गर्मी में यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई। एकमात्र यहाँ पर हैंडपम्प से पानी आता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा वाले क्षेत्र जो राजस्थान का बांसवाड़ा ज़िला है वहाँ पर, और यहाँ के आप पहाड़ी इलाकों का नज़ारा देख पा रहे हैं। और नए वीडियो के साथ में हम आपको और भी यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे और यहाँ के रहन सहन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कुछ घर भी हैं, ऐसे लोग रहते हैं, उनके पास भी जाएंगे, बातचीत करेंगे और यहाँ का इलाका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, लेकिन पहाड़ियाँ ऐसे पत्थर जैसी नहीं है, जो पहाड़ियाँ हैं वो मिट्टी में तब्दील हो चुकी हैं। जगह जगह पर यहाँ पर लोग रहते हैं, जो आप उस कोने में भी देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, कुछ घर अभी पक्के भी बन रहे हैं, लेकिन अधिकांश आपको जो कच्चे घर थे वही आपको देखने को मिलेंगे। जो पर्वत है उन पर्वतों को ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यहाँ पर खेत बनाए हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लहर खेत की, एक ये खेत है, एक ये भी खेत है, एक ये है, एक ये है, ऐसे यानी कि ढलान होती है, उस ढलान के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में खेत हैं। और बाकी ऊंचाई पर यहाँ पर ज़्यादा ढलान है तो यहाँ पर खेत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जंगल ही हैं। अभी ये पेड़ ज़रूर सूखे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश की ऋतु में ये हरे भरे घने गहरे हो जाते हैं। ये छोटी सी झोपड़ी है जो बाँस से बनी है, इसके ऊपर भैंस का जो चारा होता है खाने के लिए गाय भैंस के लिए वो रखा है और नीचे यहाँ पर झोपड़ी भी बन गई है। चारों तरफ से ये जो किया हुआ है इसे बांस से किया हुआ है, ये देख रहे हैं, बल्कि ये घर कच्चे घर हैं। तुम्हारा तीर है, शिकार भी जो करवा माटे धनुष हमना जावानो बार बस तो अब जाने हैं जाने जावा तैयारी जोने आज मैं जोने हंगात ले आवसो हो 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 ये बन आ तेर हाते जोए जोन मा हो हो शोक नी बात है। हां आपने पैसा नहीं आता आदिवासी नियम हो हो तो बोल दे खेती करो बलती से करियो, ट्रैक्टर तो आवे नहीं, बड़ा ही करिए बड़ा ही करिए, ट्रैक्टर तो ऊपर आवे नहीं है, ट्रैक्टर काड़ी दिए फिर ओरवों डोरवों यो परदा हो गई। हां यहाँ पर दोस्तों खेती हल से ही करते हैं और जब बीज बोते हैं तब हल से बोते हैं। तो ये हल है, ये देख रहे हैं, और ये बैल उधर वो सामने खड़े हैं। प्रत्येक घर में बैल और हल हैं। यहाँ पर ये मजिया हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर उनका दूसरी ओर घर है, वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई इतनी ऊंचाई पर चढ़ ही नहीं पाता है, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ पर मैं भी चढ़ा था बहुत मुश्किल से। तो ये उनका प्रतिदिन का कार्य है, ऊपर चढ़ते हैं और दूसरी ओर उनका घर है वहाँ पर जाते हैं। एकमात्र यहाँ पर हैंडपम्प से पानी आता है, पानी का एकमात्र यूज है, और उस तरफ एक कुआँ भी है। यहाँ पर गाय भैंस बंदी हुई। बैकग्राउंड में आपको जो महिलाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आदिवासी में जो विवाह में गीत गाए जाते हैं वो गीत गाए जा रहे हैं। और ये कुआं है, कुएं को यहाँ पर खोदा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर जमीन नीचे नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्वत है। यहाँ पर कुछ गो थी कि क्या था वो नीचे अंदर गिरा है, तो यहाँ पर कुछ जानवर भी रहते हैं। और पानी देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, ये पर्वतों के रिसाव से अंदर भरता है।
और इसको काट कर बहुत मुश्किल से यहाँ पर 15 फीट के आसपास इसे खोदा है, लेकिन पानी यहाँ पर नहीं निकला। छोटी सी इस ट्यूबवेल की सहायता से ज़रूर पानी को लाते हैं बाहर। इन कुएं के चारों ओर जो दीवार की गई है पत्थरों से है, इसके अंदर कोई भी सीमेंट या मिट्टी का उपयोग नहीं किया है। देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखा रही है, दीवार बनाई है। और इस तरह का ये कल्चर गाय भैंसों के लिए ऐसा ओड़वा बनाया हुआ है। सामने ये घर हैं, केले का पेड़ है, नीम के पेड़ भी यहाँ पर हैं, और भी बहुत प्रकार के बहुत प्रजाति के यहाँ पर पेड़ पौधे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बांस हैं जो कि बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। ये बांस हैं